नमस्कार, मैं प्रशांत पालेकर कमलिंदु सात्विक इस फूड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं एक हेल्दी स्वीट डिश जो महाराष्ट्र की हर गृहिणी कभी ना कभी घर में बनाती ही है। तो चलिए आज देखते हैं पौष्टिक लाडू यानी हेल्दी लड्डू जो गेहूं के आटे से बनते हैं। आइए पद्मा जी, आपका स्किल दिखाइए। नमस्कार, हमारी आज की रेसिपी है पौष्टिक लाडू यानी हेल्दी लड्डू। ये रेसिपी मेरी एक फ्रेंड है अनुजा हेगड़े, उसने मुझे बताया था और रेसिपी भी शेयर किया था। अभी हम देखते हैं ये लड्डू बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। ये 1.5 कप गेहूं का आटा, ये 1/2 कप सूजी जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है, ये 1 कप मैंने कैस्टर शुगर लिया है, ये इलायची पाउडर, ये ड्राई फ्रूट्स है जो मैंने बारीक पीसेस करके रखे हैं, इसमें बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता सब मिलके मैंने इसके पाउडर भी बना सकते हैं, पीसेस भी बना सकते हैं। ये नटमेग पाउडर है और ये मेल्टेड घी। अब ये देख लीजिए, ये जो सब इंग्रेडिएंट्स है ये हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपके मन में आए आप जल्दी से ये बना सकते हैं। अब हम कृति शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आटा है ये हमें पैन में डाल के ड्राई रोस्ट करना है, स्लो फायर में रोस्ट करना है। ये 20-25 मिनट तो लगता ही है। ये अब आटा जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, आटे का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे ये सूजी जो मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रखी थी, लेकिन वापस हम इसे मिक्स करके हम वापस एक 4-5 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे ड्राई रोस्ट। अभी ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है आटा और सूजी। अभी मैं ये गैस बंद कर देती हूँ और एक 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम वो जो शुगर की पाउडर है वो डाल देंगे। ये अब ठंडा हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे ये शुगर, कास्टर शुगर। मैंने 1 कप लिया है, लेकिन आपको कैसा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा ज्यादा चाहिए तो ज्यादा, कम चाहिए तो कम ले सकते हैं। ये मीठेपन के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी इसमें हम डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है, और ये नटमेग पाउडर ये 1/4 टीस्पून। ये सब अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी ये सब मैंने मिक्स करके रखा है, इसमें ये मेल्टेड घी डालना है। मैंने 1 कप लिया है, लेकिन पूरा 1 कप एक साथ में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्स करना है। अभी मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ, अभी और थोड़ा लगेगा तो ये सब जो आटा और ये जो सूजी है ये सब मिक्स करना है और हम बॉल्स भी रोल कर सकते हैं। मैंने 1 कप जो घी लिया था वो पूरा इसमें डाल दिया है। अभी ये अच्छी तरह से सब मिल गए और अभी हम इसके लड्डू बनाएंगे।
आपको जो साइज चाहिए वो साइज के बना सकते हैं। टेस्टी लड्डू तैयार हो चुके हैं। थैंक यू अनुजा हेगड़े फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी विद मी। सिर्फ हेल्दी नहीं है, बहुत टेस्टी है। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक किसी को भी अच्छे लगते हैं और शरीर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जब आप यह हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको भी ये पसंद आएंगे। और इतना ही नहीं, हमें उम्मीद है आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो जरूर करेंगे, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं, धन्यवाद।